सोलन में कल से इंडिया पोस्ट बैंक का सांसद वीरेंद्र कश्यप शुभारंभ करेंगे। ये बैंक आम बैंकों की तरह काम करेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर यह बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करवाएगा। लेकिन इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यह बैंक पोस्टमैन के माध्यम से आपके घर द्वार पहुंचेगा और आपसे पेमेंट लेकर भी आएगा। और अगर आपने बैंक से पैसे निकालने हैं तो वो आपके घर पर देकर भी जाएगा। साधारण सी दिखने वाली सुविधा आधुनिक तकनीक पर कार्य करेगी और बायोमेट्रिक आधार पर सभी लेन देन किए जाएंगे, जिससे गड़बड़ी की संभावनाएं भी कम होंगी। आज सोलन पोस्ट ऑफिस मंडल द्वारा इस बैंक के प्रति जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सोलन बाईपास से पोस्ट ऑफिस तक निकाली गई। अधिक जानकारी देते हुए मंडल अधिकारी हेमशंकर शर्मा ने बताया कि सोलन में कल से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ होगा। शुरुआती तौर पर सोलन मंडल में दो शाखाएं खोली जाएंगी, जिसमें से एक नाहन में और एक सोलन में होगी। इसके अलावा 10 एक्सेस पॉइंट भी होंगे, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस बैंक में जीरो बैलेंस से खाता आरंभ किया जा सकता है और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त नहीं है, इसलिए ये बैंक आम आदमी की पहुंच का बैंक साबित होगा। सोलन डाक मंडल में दो ब्रांचेस सोलन और नाहन और 10 एक्सेस पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएंगे। हिमाचल वासियों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी, जिनमें काउंटर सर्विसेज हैं, आपका माइक्रो एटीएम सर्विसेज हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप है, एसएमएस, और जैसे मैंने आपको पहले बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जो बेसिक सेविंग अकाउंट है वो जीरो बैलेंस से खोला जा सकता है, और जो करंट अकाउंट है वो उसमें मिनिमम 1000 से खोला जा सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये आम आदमी की पहुंच का। एन स्टार न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।